अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं पाक राइड्स। आज हम आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं। ये टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 है, ZX 2016 मॉडल है। आज आपको इसकी सारी डिटेल देंगे। लोग इसको V8 के नाम से भी जानते हैं, लैंड क्रूज़र के नाम से भी जानते हैं, और आज आपको बताएंगे कि भाई इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। बेसिकली प्रॉपर 4x4 SUV है 2016 मॉडल की। आज आपको इसकी सारी डिटेल देंगे और सबसे पहले इसकी टेल लाइट की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं फुल LED बेस आपको इसमें टेल लैंप मिलेंगे। यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट, साइड टर्न सिग्नल, V8 की बैजिंग। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई स्टॉप लैंप। उसके साथ साथ बैक बम्पर भी आप देख सकते हैं, पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। बैक डिफ्यूज़र आप इसका मुलायजा फरमा सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। और ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड क्रूज़र की आपको बैजिंग दी गई है। सेंटर की तरफ आएँ तो टोयोटा का लोगो आपको मिलेगा। बैक पे वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉयलर, फुल आप इसकी कुछ बैक से ये लुक देख सकते हो, टोयोटा लैंड क्रूज़र। इसका बैक टेल गेट भी ओपन करते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। यूँ कुछ ओपन हो जाएगा भाई इसका टेल गेट, ये आप देख सकते हो इस तरह कुछ ये ओपन हो गया। और अगर हम नीचे इसको करें, बेसिकली अलग-अलग दोनों ओपन होते हैं, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल आराम सुकून से भाई ये ओपन हो चुका है। और ये कुछ इसकी स्पेस आप देख सकते हो भाई। और अब भी देख लेते हैं भाई इसकी लगेज स्पेस। तो लगेज स्पेस काफ़ी अच्छी है, सीट साइड पे फोल्ड हो जाती हैं, जैसे कि टोयोटा फॉर्चूनर में इसी तरह होता है। सीट जो है साइड पे फोल्ड हो जाती हैं, तो मतलब आपका जो लगेज स्पेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जिसे कहते हैं भाई प्रॉपर SUV, तो ये प्रॉपर SUV है, ना कि क्रॉसओवर। वो सारी चीज़ें नहीं है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, क्रॉसओवर होगी तो मतलब वो 7-सीटर तो होती हैं, लेकिन प्रॉपर 7-सीटर नहीं होती है। प्रॉपर 7-सीटर है, प्रॉपर मैं आपको फॉर्चूनर को भी प्रॉपर नहीं कहता, 7-सीटर है ये, प्रॉपर 7-सीटर आप इसे कह सकते हो। बाकी आपने सीट फोल्ड करनी है, सारे यहाँ पे आप कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अब इसको बंद करते हैं, ये इजीली इस तरह क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा भी दिया गया है, लाइट्स मौजूद हैं। इसको आप इस तरह क्लोज कर सकते हो, बटन के थ्रू भी आप क्लोज कर सकते हो इसको। बाकी साइड की रफाएँ तो ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल, जो कि यार बहुत ही अलग लुक प्रोवाइड कर रही है। और लेंथ में आप इसकी देख सकते हो, चौड़ाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है यार। प्रॉपर मीन्स आपको कंफर्ट, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, और प्रॉपर आप इसको लेके जा सकते हो भाई ऑफ रोडिंग के लिए। तो सारी चीज़ों को छोड़ो भाई, इसके अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं। तो मुझे भी नहीं पता इसकी प्रोफाइल क्या, चलें आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं। डनलप के आपको इसमें टायर मिलेंगे, 20 इंच के इसके अलॉय व्हील्स हैं, और अल्यूमिनियम फिनिश आपको दी गई है। उसके साथ साथ आपको यहाँ आप देख सकते हो, आपको मिलेगी भाई डार्क ग्रे फिनिश। और प्रोफाइल की बात कर लें, 285/50R20 ये इसकी कुछ टायर प्रोफाइल, वो काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़े साइज़ के टायर्स इसमें इंस्टॉल हैं। 20 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, टोयोटा के जेन्युइन अलॉयज़ हैं। 4-way डिस्प्ले मिलेगी, फ्रंट और बैक पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको लैंड क्रूज़र की आप देख सकते हो बैजिंग मिल रही है, और ये साइड पर आप देख सकते हो आपको फुटरेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। और बैक डोर ओपन कर लेते हैं, यह है कुछ इसकी बैक डोर की लुक, जो कि बहुत ही अलग लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ट्यूटर डोर ओपनर, और आप देख सकते हो कितने बड़े साइज़ का दिया गया डोर ओपनर, मैंने आज तक इतने बड़े साइज़ का डोर ओपनर नहीं देखा। छोटे छोटे दिए होते हैं SUV हो तो उसमें भी। बाकी आ जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर विंडो ऑटो मिलेंगे आपको, चारों इसमें आपको विंडोज़ ऑटो मिल रही हैं। बाकी यहाँ पर आपको अल्मीनियम फिनिश दी गई है, उसके नीचे आपको बोटल होल्डर, स्पीकर, और कार्स में होते हैं बोटल होल्डर दिए होते हैं लेकिन प्रॉपर बोटल नहीं आती, लेकिन इसमें आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी स्पेस है। और यहाँ पर मिलेगा भाई आपको लेदर की फिनिशिंग स्टिचिंग के साथ, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगी भी वुडन ट्रिम, मींस फुल ऑफ ऑप्शन इसमें आपको डोर मिलेगा। उसके साथ साथ नीचे आपको वार्निंग लाइट भी दी गई है, सील प्लेट भी मौजूद है। और ये है कुछ इसकी सीट्स ब्राउन लेदर पॉस्ट्री के साथ, जो कि यार नेक्स्ट लेवल लुक प्रोवाइड करती हैं। और सारे फीचर्स अभी आपको एक एक करके सुकून से, आज हम आपको वीडियो बेशक लेंथी हो जाए लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे इसके फीचर्स दिखाएं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली आप सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, वैसे मैनुअली होता है ज़्यादातर सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट। चलें अब बैठ जाते हैं भाई, यहाँ से पकड़ के गाड़ी के अंदर इंटर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वेंट के कंट्रोलर्स हैं, और भाई एक मज़े की चीज़ मुझे और यहाँ पर नज़र आ गई है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बैक वाली भी, फ्रंट तो वेंटिलेटेड है, बैक सीट भी वेंटिलेटेड है। टेम्परेचर सेट कर सकते, मतलब पूरा आपको जो कंट्रोलर फ्रंट पे दिया गया है वो सारा कंट्रोलर आपको बैक पे ही मिलेगा। यहाँ से आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो, ये जो आपको दिए गए हैं इसके एंड्रॉइड यूनिट, उसी की यहाँ से वॉल्यूम उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। उसके साथ साथ
यहाँ से आप देख सकते हो फ़ोन यहाँ पे लिखा मैं आपने शायद यहाँ से फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट की आपको आउटलेट मिल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको HDMI की पोर्ट वगैरह दी गई हैं, AC यहाँ से आप सेट कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो, मैं प्रॉपर आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और लेग स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हो भाई स्पेस तो अनलिमिटेड है इसमें। बाकी ऊपर आ जाएँ तो आप देख सकते हो आपको रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ऊपर AC वेंट्स ऊपर भी मौजूद हैं, ना कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ऊपर भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। स्पीकर्स मौजूद हैं रूफ पे भी, और रूफ़ की बात करें फुल ग्रे फिनिश के साथ इसकी रूम मिलेगी। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि भाई इसके जो विंडोज़ हैं वो आप देख सकते हो प्राइवेसी ग्लास में इसकी विंडोज़ दी गई हैं, और यहाँ पर भी लाइट मौजूद है भाई। कोशिश करें आपके लिए सारी चीज़ें कवर करें। चलें आप उतर जाते हैं, बैक डोर बंद कर देते हैं। आप विंडोज़ देख सकते हैं प्राइवेसी ग्लास में है, और ऊपर आपको एयरपैड्स भी इंस्टॉल मिलेंगे रूफ पे। आप देख सकते हो रूफ रिल्स मौजूद हैं। फ्रंट डोर की तरफ आते हैं तो ये है कुछ इसकी फ्रंट डोर की फुल लुक। उसी तरह डोर ओपनर, ऑटो विंडो, डोर हैंडल जिसे ग्रैब हैंडल भी कहते हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वुडन ट्रिम, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्रोम भी फिनिश दी गई है जो कि बैक डोर पे नहीं थी। और यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर होल्डर, स्पीकर, और ये है कुछ इसका भाई डैशबोर्ड की लुक। 2016 मॉडल है ये। सीट्स की बात करें तो लेदर फिनिश में इसकी सीट्स दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, और कंट्रोल्स तो भाई अनलिमिटेड है। तो चलें अंदर बैठते हैं और आपको यहाँ से भाई इसके सारे कंट्रोल साथ साथ दिखाते जाते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा साथ साथ कवर करना। AC वेंट्स आप देख सकते हैं, SRS एयरबैग मौजूद है, साइड कटन एयरबैग्स भी हैं, और कम हाल में 6 से 8 एयरबैग होना तो मस्ट ही है। बाकी आप देख सकते हो आपको दो यहाँ पे ट्रेस दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ की स्पेस है। ट्यूटर्स मौजूद हैं, और इधर आ जाएँ तो भाई मिल जाएगी आपको इसका एंड्रॉयड यूनिट। अभी गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको साथ दिखा भी देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड यूनिट, उसके साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल के अराउंड पे जो अल्मीनियम फिनिश है काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। क्रोम फिनिश इसके AC वेंट के सराउंड पर दी गई है, और बाकी यहाँ पर आ जाएँ टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और ये के AC को भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और फ्रंट आपको रियर डिफॉगर के बटन मिल जाएंगे, ऑटो कर सकते हैं, क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। और नीचे आ जाएँ तो इसका मुझे यार कुछ पता नहीं है क्या चीज़ है। चलें गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं भाई क्या चीज़ है। जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी भाई क्योंकि जैसे जैसे रिव्यूज़ करता हूँ मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अगर आपको कोई चीज़ पता है जो मुझे नहीं पता तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो कमेंट्स में। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट सब जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई करता हूँ यार, ताकि आप मुझसे कोई बात पूछ रहे हो तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्म कर सकूँ। बाकी यहाँ पे आ जाएँ तो फ्रंट आपको हीटेड प्लस वेंटिलेटेड, मतलब हीटेड सीट तो हैं ही भाई, लेकिन आप गर्मियों में अब हीटेड सीट्स ऑन नहीं कर सकते, तो वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, मतलब आप AC भी इनमें चला सकते हो, मतलब ठंडी ठंडी हवा आएगी भाई सीधी सी बात करूँ तो। बाकी एयर मैट्रो ऑनमिशन है, और ये भाई है कंट्रोलर स्पेशल चीज़ का जो कि प्रॉपर 4x4 का कंट्रोलर है। स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स प्लस है, नॉर्मल मोड है, कम्फर्ट मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, डिफ लॉक है, और ये मैं हाल में ECD सेकंड इसका मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। बाकी पीछे आ जाएं तो आप देख सकते हो कप होल्डर्स मौजूद हैं। आर्मरेस्ट ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी साइज़ की आर्मरेस्ट है, और मेरे ख्याल में ये साथ साथ कूल बॉक्स भी है शायद। हाँ जी ये कूल बॉक्स है, यहाँ से आप ऑन करके कोई मतलब ड्रिंक वगैरह आप नहीं रख सकते हो। बाकी लेदर राइट आर्मरेस्ट है, और स्टेरिंग व्हील की चलें उस तरफ से चलेंगे तो आपको उस तरफ से भी जो फीचर्स हैं वो भी साथ साथ बता देंगे। सनशेड का आपको बता देता हूँ, इस तरफ आपको भाई मिलेगा सनशेड वेंटीमेर के साथ, प्लस लाइट भी है, और सनरूफ भी इसमें मौजूद है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आ जाएँ तो इधर भी आपको सनशेड में वेंटीमेर दिया गया लाइट के साथ। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, सनरूफ का कंट्रोलर है, यहाँ से ऑन कर सकते हो लाइट्स वगैरह। आप देख सकते हो ऊपर लाइट ऑन हो चुकी है, उसके साथ साथ स्पॉट लाइट भी आप ऑन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। ये दोनों फीचर्स भी हैं, बाकी ऊपर आप इसका सनरूफ का कंट्रोलर भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी बैकवी मेयर की बात करें इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलें भाई उतरते हैं, बाहर चलते हैं, और ये है इसके ORVM साइड टर्न सिग्नल के साथ। डोर हैंडल आप देख सकते हो क्रोम डोर हैंडल इसमें मौजूद है, बाकी 20 इंच अलॉय व्हील्स, और ये है कुछ इसकी भाई फ्रंट से फुल लुक। मैं आपको पहले फुल लुक दिखाता हूँ,
ये आप देख लो यार, टोयोटा लैंड क्रूज़र 2016 मॉडल है, बहुत ही आला लुक प्रोवाइड कर रही है। लोग कन्वर्ट भी करते हैं अपनी 2001 2002 उससे ऊपर ही 2005 6 मॉडल जो लैंड क्रूज़र है पुराने मॉडल उनको न्यू में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये 2016 मॉडल है। इसका ये है कि आपको यार पूरी चीज़ें मतलब जनरल मेरी होती हैं, सीट्स फंक्शंस जो नए आए हैं, लेकिन जो पुरानी कन्वर्ट करते हैं लोग उसमें ज़ाहिर सी बात है वो फीचर्स नहीं हो सकते। बाकी इसकी हेडलाइट की तरफ तो आप देख सकते हो प्रोजेक्टर इसमें मौजूद हैं हाई लो के लिए, साइड टर्न सिग्नल मौजूद है, और क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इसकी हेडलाइट के अंदर यूज़ किया गया जो कि काफ़ी अच्छे लुक प्रोवाइड कर रहा है। नीचे आपको फॉग लाइट मिलेगी, उसके साथ साथ फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, और फॉग लाइट के साउंड पे आप देख सकते हो क्रोम की फिनिश दी गई है। रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और सेंटर की तरफ आते हैं तो आपको टोयोटा का लोगो मिलेगा विद पियानो ब्लैक एंड क्रोम लाइनिंग। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी इसमें मौजूद है, और ये है कुछ इसकी फुल लुक टोयोटा लैंड क्रूज़र जो कि यार बहुत ही आला लुक प्रोवाइड कर रही है। और फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये आप देख सकते हो मैट ब्लैक के साथ आपको क्रोम के टेक्सचर दिया गया, उसके साथ साथ आपको ग्रे की भी फिनिश इसमें मौजूद है जो कि बहुत ही आला लुक प्रोवाइड कर रही है। बाकी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसकी लैंड क्रूज़र की फ्रंट लुक किस तरह की लगी है, या आप इस साइड से भी इसकी कुछ साइड प्रोफाइल देख सकते हो। बॉनेट की बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कट्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये कट मौजूद है सेंटर में, आपको काफ़ी मतलब काफ़ी एरोडायनेमिक बनाया गया गाड़ी को जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है तो आपको इस सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कंपनी को भी कि भाई इसमें हमने सारे फीचर्स देने हैं सारी चीज़ें। बाकी इसमें हमारे रडार सिस्टम लेन डिसेंट ऐसे सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, कुछ फीचर्स रह गए थे जो नहीं दिखाए, अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। इस साइड से भी आप इसकी कुछ डोर की लुक देख लो, और यहाँ पे आपको मिलेंगे भी मेमोरी सीट्स, मतलब अगर आपके घर में दो तीन बंदे हैं, एक ड्राइवर है, और मतलब आप भी कभी कभी ड्राइव कर लेते हो तो आप मेमोरी सीट से अपने एडजस्ट कर सकते हो, ये नहीं है कि आप आओ और दोबारा बार बार एडजस्ट करो, तो इसलिए मेमोरी सीट्स का फंक्शंस होते हैं इसमें। डोर ओपनर मिल जाएगा, और विंडो आपको ऑटो मिलेंगी, लॉक अनलॉक का फंक्शन है, विंडो लॉक का बटन है, नीचे आपको उसी तरह बॉटल होल्डर मिलेगा, स्पीकर और लैंड क्रूज़र की आप देख सकते हो सील प्लेट भी मौजूद है फ्रंट पे। चलें भाई अब अंदर बैठ जाते हैं। ये है कुछ इसका भाई स्टेयरिंग व्हील, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा इसमें आपको, इधर आ जाएं तो मेरे हाल में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टरों का कंट्रोल कर सकते हो, लेन डिसेंट असिस्ट रडार सिस्टम, इधर आ जाएं वॉइस कमांड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, कॉल पिक डिक्लाइन का ऑप्शन है, SRS एयरबैग इसमें मौजूद है, और बाकी ये है कुछ भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि यार आप देख सकते हो बहुत ही आला लुक प्रोवाइड कर रहा है, अभी आपको दिखाएंगे भी आगे चल के। बाकी पुश स्टार्ट मौजूद है, इधर भी कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि बूट ओपन कर सकते हैं, पावर डोर ऑफ का बटन है, मतलब आप जो इसका ट्रंक है बैठे बैठे ऑफ कर सकते हैं, आउटसाइड मिरर के कंट्रोल्स हैं, उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स हैं। बाकी मैं आपको इसकी की भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो ये कुछ इसकी की, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, मैं हमें अनलॉक लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ है। बाकी ट्रंक ले ली इसका है, और ये ई और एफ इसके बारे में मुझे नहीं पता, और इसके बारे में भी आपने मुझे ज़रूर बताना है यार। ये चीज़ें हैं आप मुझे कह रहे होगे कमेंट्स में, कुछ लोग हैं जो कह रहे होंगे भाई आपको भी नहीं पता आप रिव्यू कर रहे हो ये वो, तो यार क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर्स होते हैं मैं वो चीज़ ना बताऊं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे नहीं पता तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं आगे कोशिश करूंगा कि भाई आपने मुझे बताया मैं आगे लोगों तक भी पहुँचा सकूँ, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं यार। बाकी फुल स्टार्ट किधर गया भाई, ये रहा, ये आप देख सकते हो ये स्टेयरिंग जहाँ पे एडजस्ट हुआ था उस जगह पे पहुँच चुका है, ये आप देख सकते हो यार बहुत ही आलुक प्रोवाइड कर रहा है। 7000 RPM है, हीट की इंडिकेशन, फ्यूल की इंडिकेशन, और पत्नी के चानी में बोरी, इस तरफ आपको फ्यूल की इंडिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, और ऑडोमीटर आप देख सकते हो पार्किंग में डोर ओपन है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी यार बाकी तो आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने, जो मुझे पता थी मैंने आपके तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे, वाइपर के, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है। बाकी मैं हाल में सारे कैमरे के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, इसकी आप ब्राइटनेस में हाल में सेट कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो, हाँ यहाँ से आप इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो, यहाँ से आप देखो आपको यहाँ से नज़र आएगा, ये अब लाइट कर दिया यहाँ से डाल, ये इसकी ब्राइटनेस और कंट्रोल है, ऑडोमीटर और ट्रिप भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी इस तरह भी आप एसी वेंट देख सकते हो। बाकी यार ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है जो मुझे पता थी, और वुडन ट्रिम भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी यूज़ किया गया। हाँ डैशबोर्ड की जो क्वालिटी है वो नो डाउट यार काफ़ी अच्छी है भाई, इतनी महंगी गाड़ी है तो क्वालिटी तो अच्छी होने वाली है, प्रॉपर SUV है जिसे आप कह सकते हो, अभी जो पाकिस्तानी मार्केट में जो प्रॉपर SUV है वो मेरे हाल में ना होने के बराबर है। प्राडो को भी लोग प्रॉपर SUV कहते होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर SUV है वो लैंड क्रूज़र ही है।
इसी में आगे लेक्सिस आ जाती है। ये तो आपको एक ऑफ रोडिंग दी गई ना, मतलब इस पर ऑफ रोड लेके जा सको, ऑन रोड आपको हर जगह ये कम्फर्ट प्रोवाइड करेगी, तो ये उस तरह की चीज़ है। बाकी आलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बताइए, अब चलते हैं बाहर और बाकी वर्ड्स आलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बताई थी, अब चलते हैं भाई इसकी प्राइस रेंज की तरफ। तो किस प्राइस में आती है 2016 मॉडल ये जो गाड़ी है, ये बेसिकली अभी खड़ी हुई है टोयोटा कैपिटल पे। ये अब जैसी बात है न्यू तो नहीं है, सेकंड हैंड है, लेकिन इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 385 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड की जा रही है यहाँ पे टोयोटा कैपिटल पे। जिस बंदे ने बाई करनी है वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसमें जैसी बात है प्राइस में थोड़ी बहुत डिस्काउंट वगैरह तो हो ही जाएगा। बाकी मैं आपको एक डिटेल एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, टोयोटा लैंड क्रूज़र है V8 ZX 2016 मॉडल है, 2021 की हम पोर्ट है। और बाकी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी जाएंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह आपको नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।